हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेनी गेम प्ले वीडियो और स्वागत है आपका एक और कारक स्ट्रीट के गेम प्ले वीडियो में। और गाइस फाइनली कारक स्ट्रीट का न्यू अपडेट आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और इस अपडेट में काफी ज्यादा माल पानी मतलब बहुत सारी नई चीजें ऐड की है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि अपडेट में नया क्या क्या ऐड हुआ है, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि इस अपडेट में क्या क्या मतलब बुरी चीजें भी हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम लोग अपडेट पे बात करने वाले और हमारा गेम प्ले भी कंटिन्यू करने वाले, तो काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। बस एक कोने में जाके बैठ जाओ, ईयरफोन्स वगैरह लगा लो, आज वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं सारी डिटेल्स देता हूं और अपना गेम प्ले भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपने को बहुत कुछ करना है इसमें। ओके गाइस, तो हम लोग गेम में आ चुके हैं और गेम का सबसे पहले आप ग्राफिक चेक करो। भाई ग्राफिक पूरा चेंज कर दिया है, मतलब क्या ही ओपी तगड़े ग्राफिक्स कर दिए गाइस। यहां पे आप लोग देख सकते हो पहला ग्राफिक मतलब अच्छा था, लेकिन ये वाला ग्राफिक भाई पीसी की जरूरत ही नहीं है, मतलब कौन जाएगा पीसी खरीदने पीसी गेम्स खेलने के लिए। यहां पे देखो मोबाइल में ही कारक सीट वाला ने इतना भारी यहां पे ग्राफिक कर दिया गाइस, मजा आ रहा है कसम से। ये ग्राफिक इतना तगड़ा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं पीसी गेम खेल रहा हूँ। सीरियसली गाइस, आप लोग बताना आपको ये वाले ग्राफिक कैसे लगे। लेकिन गाइस अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा मैप चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पे देखो सब कुछ अलग हो चुका है। और यहाँ पे देखो एक नया माउंटेन ड्राइव करके यहाँ पे मैप ऐड हो गया है। जब आपको याद होगा जब हम लोग यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे रोड ब्लॉक होता था और अंडर कंस्ट्रक्शन लिख के आता था। फाइनली कारक स्ट्रीट वालों ने यहाँ पे पूरा मैप कम्प्लीट कर दिया है। ये मैप इतना ज्यादा ओपी है ना, मतलब यहाँ पे आप लोग ऐसा ड्रिफ्ट करोगे मतलब पूरी गाड़ी को आप लोग साफ बना सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको इसको खोलना कैसे। तो गाइस इसको खोलने के लिए आप यहाँ पे एक पास खरीद सकते हो जिसके लिए पैसा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा ये मत करना। अगर तुम्हारे पास पैसा है, खुद का पैसा है, तो तुम लोग खोल सकते हो। लेकिन इसको फ्री में खोलने के लिए आपका अकाउंट लेवल 10 होना चाहिए और आपको स्ट्रीट हंटर क्लब जो ये वाला क्लब है ना, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये वाला जो मोड है वो अनलॉक हो जाएगा यहाँ पे मैप। तो जो भी कुछ कर रहे हो अभी उसको छोड़ो, स्ट्रीट हंटर क्लब ज्वाइन करो। और मैंने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। अपनी कौन सी गाड़ी थी, कहाँ पे गई, ये रही अपनी लाइटनिंग मैक्वीन से गाइस मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया है और जल्द ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना न्यू क्लब्स भी ऐड किए, तो यहाँ पे देखो ये सब तो अपने पुराने क्लब्स है, लेकिन जो नए क्लब्स ऐड किए वो यहाँ पे ऐड किए, माउंटेन ड्राइव है ना यहाँ पे ऐड किए। और यहाँ पे देखो तो ये जो डिलीवरी मिशन है गाइस, इसी तरीके से यहाँ पे देखो बॉक्स डिलीवरी करके एक और डिलीवरी मिशन ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको बेसिकली पार्ट्स को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे देखो पहला आप डिलीवर करोगे तो नाइट डिलीवरी, मॉर्निंग डिलीवरी, डे टाइम डिलीवरी, यहाँ पे ना गाइस सब कुछ चेंज हो गया, मतलब आप अलग अलग डे टाइम पे भी डिलीवरी करोगे अब। और गाइस न्यू अपडेट में ये भी चेंज हो गया कि अब आप जैसे ही क्लब्स को कंप्लीट करोगे आपको क्लब में से फ्री कार मिलेगी, मतलब पूरा क्लब एंड कर दोगे ना तो आपको कार मिलेगी। मुझे भी यहाँ पे मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो NX5C यहाँ पे एक मिली है और ये E86, तो मेरे को यहाँ पे दो कार्स मिली है जो कि मेरे पास हाउस नहीं है तो मैं फिलहाल इनको यूज नहीं कर सकता। और गाइस यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा चेंज है, यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ियों की रेटिंग बढ़ा दी है ऑलरेडी, मतलब अपने को रेटिंग पे अब पैसा ठोकने की जरूरत ही नहीं है, जिसपे मैं हमेशा रोते रहता था कि भाई रेटिंग बढ़ाने में सारा पैसा ठुक जाता है। तो अब मेरे को किसी भी गाड़ी की रेटिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकते। जैसे देखो मैं अपनी R35 से ये वाला क्लब ज्वाइन करने वाला था, जो कि आपने कमेंट किया कि अपनी R35 से भाई ये वाला क्लब ज्वाइन करना, तो इसी वाले क्लब को हम ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अपने लाइटनिंग मैक्वीन से मैंने ये स्ट्रीट हंटर वाला क्लब तो ज्वाइन कर ही लिया है। पहले क्या होता था, क्लब्स कंप्लीट करते थे तो सिर्फ पैसा मिलता था, मतलब डॉलर मिलता था, लेकिन अब देखो क्लब्स को कंप्लीट करने पे 12 गोल्ड भी आपको मिलेगा और ये हर क्लब्स के हिसाब से अलग होगा। गाइस यहां पे ना 5 नई गाड़ियां ऐड हुई है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहली गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूं जिसका अपने को बेसब्री से इंतजार था, वो गाड़ी कोई और नहीं है गाइस, वो है मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे मेरा थोड़ा दिल भी टूटा है गाइस, आपको मैं बताता हूँ क्यों। आजा कहाँ गई भाई, कहाँ गई, ये देखो गाइस लैम्बोर्गिनी फाइनली इज हियर। लैम्बोर्गिनी यहाँ पे फाइनली आ चुकी है, जो कि दिल टूटने वाली बात यह है कि ये 400 गोल्ड का है, मतलब मैंने यहाँ पे GTR R35 अगर नहीं निकाली होती तो गाइस मैं इस गाड़ी को अभी खरीद सकता था। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 256 गोल्ड है और ये जो लैम्बोर्गिनी ये 400 गोल्ड की है। अरे यार गाइस ये लैम्बोर्गिनी मेरे को चाहिए थी, लेकिन ये अब सबसे महंगी गाड़ी है गाइस ये लैम्बोर्गिनी अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले तो ये जो अपनी मर्सिडीज AMG है ना ये ज्यादा महंगी थी, मतलब 320 गोल्ड की, लेकिन अब लैम्बोर्गिनी 400 गोल्ड की ये लैम्बोर्गिनी है गाइस। तुम लोग इसको निकालोगे कि नहीं मुझे बताना, लेकिन मैं तो निकाल लेगा, आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं निकालूंगा। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने तो लाइक कर देना और आ जाओ अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी आपको मैं दिखाता हूँ जो की है अपनी मित्सुबिशी की लैंसर इवो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गाइस, ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा ओपी है, ये भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई कि ये ऐड की है, तो इस गाड़ी को भी आप उन खोल सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी रियल पैसों की है यार, ये रियल पैसे वाली गाड़ी है गाइस, ये दिक्कत हो गई है। लेकिन तुम लोग टेंशन मतलब अगर तुम लोग सपोर्ट करते रहोगे तो आप उन ये जो रियल मनी वाली गाड़ी है ना
जो आप उन अभी खरीद नहीं सकते फिलहाल, लेकिन तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप उन ये रियल पैसे वाली गाड़ी भी ले लेंगे। और गाइस आगे आएंगे तो एक और लेम्बोर्गिनी हमको देखने मिलेगी जो काफी ज्यादा डोप है, लेकिन ये भी रियल मनी में है। तो फिर और यहाँ पे देखो गाइस लेम्बोर्गिनी डायबेलो जो हमको ट्रेलर में दिखा था, ये गाड़ी भी एक नंबर है गाइस, एक नंबर गाड़ी। और ये तो और ज्यादा महंगी है, मतलब ये वाली तो फिर भी सस्ती थी, ये वाली रियल मनी में और ज्यादा महंगी है। और गाइस यहाँ पे एक और गाड़ी रह गई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, वो है होंडा सिविक की। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, होंडा सिविक न्यू वाला इन्होंने ऐड कर दिया। ये देखो ये है अपनी नई गाड़ी, ये मतलब ये पहले से थी गाइस, आपको दिखाऊं मैं, ये ओल्ड वाली ये देखो ये पहले से थी, लेकिन इन्होंने ये फोकट का ऐड किया। मेरे को इतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है होंडा सिविक, लेकिन हाँ ऐड कर दिया तो कर दिया है, क्या कर सकते हैं आप। अभी अपने को अपना गेम प्ले भी कंटिन्यू करना है तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और गाइस अब मैं थोड़ा आपको बैड साइड बताता हूँ, ये वाला जो अपडेट है ना गाइस, ये देखो ये वाला इनको पहले से ही फ्री रखना था, क्योंकि गाइस जो नए प्लेयर्स है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको पहले ही स्ट्रीट हंटर वगैरह क्लब्स को एंड करना पड़ेगा और 10 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद वो उसको खोल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मतलब बुरी बात मेरे को लगी यहाँ पे कि नए प्लेयर्स इसको नहीं खेल सकते। लेकिन गाइस थोड़ी सी मतलब ग्राइंड करो आप, इसको ओपन करो और उसके बाद मजे लो। और गाइस देखो जिसकी मैं बात कर रहा था वही मेरे साथ हो गया। यहाँ पे देखो कंट्रोल्स के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, पता नहीं ये क्या सीन है, मतलब देख रहे हो गाड़ी वगैरह चल रही है, आवाज वगैरह सब है, लेकिन ये पूरा ब्लैक हो जा रहा है। तो कार स्ट्रीट वालों अपडेट आपने डाला, बहुत सही अपडेट है, डोप है, सब कुछ आ गया, लेकिन ये तो सही करो साला, मैं खेलूंगा कैसे यार, ये क्या सीन है। ओके गाइस तो यहाँ पे रात हो चुकी है, और गाइस रात को मैं आपको अब दिखाता हूँ कि सीन कैसा है। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने लाइटनिंग मैकक्वीन पे, क्योंकि अपने को ये रेस जीतना है स्ट्रीट हंटर वाला, और इसके बाद अपने को रात को भी तुम लोग ग्राफिक्स चेक कर सकते हो कि कैसा लग रहा है सीन। लाइटिंग वगैरह बहुत ओपी कर दिए इन्होंने, तो आ जाओ पहले मेरे को इसको हराने दो इस नल्ले को। ये तो अभी नल्ला पीछे ही है वैसे, लेकिन ये आगे भी जा सकता है गाइस, क्योंकि इसकी गाड़ी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस नल्ले को रुक जाओ मैं आराम से हरा दूं, बस नहीं आगे जा रहे साल, आगे चला गया, रुक जाओ यार इसको हराना पड़ेगा। और गाइस मेरी लाइटनिंग मैकक्वीन भाग क्यों नहीं रही है, मेरे को थोड़ा अपग्रेड कराना पड़ेगा क्या गाड़ी को। अरे यार ये नल्ला, मेरे को स्ट्रीट हंटर वाला क्लब पहले ही कंप्लीट कर देना चाहिए था गाइस, पहले ही मैं कंप्लीट कर देता ना, मैं कार्स निकालने में बिजी था, पहले ही कंप्लीट कर देता तो वो वाला मैप अपन खेल सकते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आराम से कंप्लीट कर दूंगा, तुम लोग कोई टेंशन मत लो। गाड़ी को अपग्रेड करना पड़े तो वो भी अपन कर देंगे, आ जाओ फिलहाल ना ये नल्ला रुक जाओ। ओके चेस कर लिया अपन ने, आगे तो चले गए, अरे ये हरा ही नहीं पड़ सकता, दिस इज लाइटनिंग मैकक्वीन, इसको ये हरा ही नहीं सकता, लेकिन वो आगे आ सकता है गाइस, तो अपने को ध्यान से चलाना पड़ेगा। आ जाओ, और मैं अभी तक आइस पैक रख के फ़ोन पे खेल रहा हूँ गाइस, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ। मतलब मैंने फ़ोन को मैं अच्छे से ग्रिप भी नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे को आइस पैक रख के खेलना पड़ रहा है, फ़ोन को मैं अच्छे से ग्रिप भी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये मैच एंड कर दूँ, नहीं तो ये नल्ला आगे भाग जाएगा। आ जाओ फटाक से मैच जीत जाऊँ मैं, हम लोग बस जीतने वाले हैं इस मैच को, बस वो नल्ला ना आए पीछे, मैं देख भी नहीं रहा हूँ वो है कि नहीं। अरे ये कहाँ जा रही है साली, साली गाड़ी रिकॉल कर, रिकॉल कर साली ये गाड़ी। भाई मैंने अभी नोटिस किया लाइटनिंग मैकक्वीन का ड्रिफ्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है गाइज, ये गाड़ी ड्रिफ्ट के लिए बहुत तगड़ी ट्यून हो सकती है, मतलब मेरे को लगा था ये मुड़ जाएगी, लेकिन ये भाई ये तगड़ी ड्रिफ्ट करती है। लेकिन गाइज इस मैच को आप उन्होंने इजीली जीत लिया है, आ जाओ। और यहाँ पे देखो गाइज रात को देख रहे हो आप सीन, आय हाय 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 हाय। लेकिन हाँ गाइज आज के लिए बस इतना ही, दोनों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने तो लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।